चलिए बेटा, दिस वीडियो इज फॉर 11th क्लास एंड एज वेल एज नीट। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पीशीज कंसेप्ट। आज के इस टॉपिक में बेटा हम ये सीखेंगे हम स्पीशीज किसको कहेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक ही स्पीशीज में होंगे उनके पास कौन से कैरेक्टर्स होंगे, वो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, तभी हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एक ही स्पीशीज में रखेंगे। बेटा स्पीशीज के कंसेप्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन जो कि बार बार आपके नीट एग्जाम में आता है, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को किसने दिया है। बेटा इसको अपने एंट्रेंस के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ स्पीशी को दिया है जॉन रेने। बेटा इस जॉन रेने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेटा हिस्टोरिया जनरलिस प्लांट्रम। बेटा ये बुक का नाम है। रिमेंबर समटाइम्स इन नीट आपको ये भी पूछा जाता है हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांट्रम। रिमेंबर इसका ऑथर है जॉन रे। बेटा इस जॉन रे ने तकरीबन 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिमेंबर इस जॉन रे ने तकरीबन 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है। ये बहुत बड़ी हस्ती है बेटा। बेटा अगर हम स्पीशीज के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तकरीबन हमारे पास मोर देन 20 कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है। मोर देन 20 कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज हमारे पास अवेलेबल है। बेटा हम उन सब कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, हम खाली 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो नीट वाले बच्चों को नीट में पूछे जाते हैं। सो बेटा जो हम पहले कंसेप्ट की बात करेंगे वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। बेटा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को दिया है अर्नेस्ट मेयर ने। बेटा इस अर्नेस्ट मेयर को हम 20th सेंचुरी का डार्विन भी बुलाते हैं। 20th सेंचुरी का डार्विन भी हम बेटा अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। बेटा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या कहता है। बेटा अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। याद रखना बेटा कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या कहता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। बेटा ये डेफिनेशन है स्पीशीज की, अगर आप इस पे ध्यान डालोगे इसमें बेटा बहुत कुछ छुपा हुआ है। बेटा इस डेफिनेशन में पहले मैंने बात की क्लोजली रिलेटेड, यानी ये ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए क्लोजली रिलेटेड। अब आप बेटा कहोगे सर क्लोजली रिलेटेड क्या होता है। बेटा क्लोजली रिलेटेड का मतलब है
दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे और दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन जीन पूल। ये है क्लोजली रिलेटेड में छुपा हुआ कि क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या है, दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। दूसरी बात, दे शुड इंटरब्रीड, यानी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में करनी है बेटा इंटरब्रीडिंग, एंड दैट टू इन नेचर, दैट टू इन नेचर, विच मीन्स वो इंटरब्रीडिंग खुद ब खुद करनी चाहिए, हमें उनको जबरदस्ती इंटरब्रीडिंग नहीं करानी है बेटा, वो इंटरब्रीडिंग खुद ब खुद करनी चाहिए, और इंटरब्रीडिंग करके दे हैव टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग वो बेटा प्रोड्यूस करेंगे ना, वो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए फर्टाइल। ये कंडीशन जो भी ग्रुप फॉलो करेगा, ये कंडीशन जिस किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएंगी, हम बेटा कहेंगे दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। बेटा तीन कंडीशंस है, दे शुड बी क्लोजली रिलेटेड बेटा, दे शुड इंटरब्रीड इन नेचर, याद रखना ऐसे इन नेचर, एंड बेटा दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ये है बेटा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी। बेटा मैं एक एक्सेप्शन की अगर बात करूं, अगर मैं बेटा एक एक्सेप्शन की बात करूं इस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी में, मैं अगर बेटा ले लूं मेल डंकी को, मैं लेता हूं बेटा मेल डंकी को और फीमेल हॉर्स को, बेटा इन दो को मैं लेता हूं, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। बेटा अगर ये दो इंटरब्रीड करेंगे तो वहां से बेटा हमें मिलता है म्यूल, वहां से हमें बेटा मिलता है म्यूल। ये बेटा म्यूल इनका हाइब्रिड है, हाइब्रिड है इनका, और बेटा वी कैन से ये म्यूल होता है स्टीराइल, स्टीराइल। अगर मैं इन्हीं को रिवर्स कर दूं बेटा, अगर मैं मेल ले लूं बेटा हॉर्स, मेल लूंगा मैं हॉर्स और फीमेल लूंगा मैं बेटा डंकी, डंकी मेल हॉर्स फीमेल डंकी, याद रखना बेटा मेल हॉर्स फीमेल डंकी, तो वहां से हमें मिलता है बेटा हिन्नी। सो डियर स्टूडेंट्स, वहां से हमें मिलेगा हिन्नी, ये भी एक हाइब्रिड है, ये भी होगा बेटा स्टीराइल। तो बेटा देखिए, अगर यहां पे डंकी लोगे आप मेल और हॉर्स लोगे, जबकि बेटा डंकी एंड हॉर्स दे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, गो दैट मीन्स दिस इज इंटर स्पीशी क्रॉस, दो अलग अलग स्पीशीज के दरमियान इंटरब्रीडिंग हो रही है, यहां पे लॉ ऑफ नेचर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं करने चाहिए, लेकिन यहां पे ये कर रहे हैं, क्योंकि डंकी और हॉर्स बेटा अलग अलग स्पीशीज का है, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं, यहां पे लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक कर रहे हैं बेटा। लेकिन अगर आप देखोगे जो इनका हाइब्रिड है, इनका हाइब्रिड है म्यूल, यानी वो स्टीराइल है, हमारी डेफिनेशन में ये था कि दे हैव टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यहां पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बेटा। दैट मीन्स अगर नेचर में कभी ये गलती हो भी जाए, इसका मतलब ये है अगर ये गलती हो भी जाए इसको यहीं पे सुधारा जाएगा, क्योंकि यहां म्यूल प्रोड्यूस हुआ बेटा, जो म्यूल हाइब्रिड है बेटा, जो म्यूल स्टीराइल है, जिसका मतलब यह है वो आगे जाके अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो अपने यंग वंस को आगे जाके प्रोड्यूस नहीं करेगा बेटा। यहां देखिएगा, यहां पे खाली मैंने इनको रिवर्स किया, मेल लिया हॉर्स को, फीमेल लिया डंकी को, तो वहां पे जो हाइब्रिड बना वो हिन्नी है, सेम इज द केस, वो भी स्टीराइल है बेटा। नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता दूं कि ये जो डंकी है इसका क्रोमोसोम नंबर है 62, ये जो हॉर्स है इसका क्रोमोसोम नंबर है बेटा हॉर्स का 64।
बेटा ये जो हाइब्रिड है म्यूल, इसका क्रोमोसोम नंबर है 63। यहां से बेटा ये सीखिए कि जिसका भी क्रोमोसोम नंबर ऑड होगा, इसका क्रोमोसोम नंबर इवन है बेटा, इसका क्रोमोसोम नंबर इवन है बेटा, लेकिन बेटा म्यूल का क्रोमोसोम नंबर ऑड है। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का क्रोमोसोम नंबर ऑड होता है बेटा, वो होते हैं स्टीराइल। सो बेटा यहां पे मुझे ना एक और डेफिनेशन, एक और एग्जांपल याद आ रही है, या मैं कहूं बेटा एक और एक्सेप्शन यहां पे मुझे याद आ रही है। अब आप कहोगे सर वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है बेटा अगर मैं ले लूं, बेटा वो एक्सेप्शन है अगर मैं ले लूं लिगर, LIGER बेटा, वो एक्सेप्शन है बेटा अगर मैं ले लूं लिगर। लिगर इज अ बेटा हाइब्रिड बिटवीन लाइन, मेल लाइन एंड फीमेल टिग्रेस, इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन मेल लाइन एंड फीमेल टिग्रेस, मेल लाइन और फीमेल टिग्रेस के दरमियान बेटा जो हाइब्रिड बनता है उससे कहते हैं हम लीगर। इसीलिए बेटा एक और हाइब्रिड है मेरे पास, दैट इज टिगर, टिगोन, सॉरी दैट्स बेटा टिगोन। एक और हाइब्रिड है मेरे पास बेटा जिससे हम कहते हैं टिगोन। टिगोन इज अ बेटा हाइब्रिड बिटवीन टाइगर, मेल टाइगर एंड फीमेल लॉइनस, इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन मेल टाइगर एंड फीमेल लॉइनस। बेटा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे दो और क्रॉसेस किए। अगर बेटा आप ध्यान रखोगे, मैंने यहां पे कहा लिगर, लिगर इज अ हाइब्रिड बिटवीन मेल लॉइन एंड फीमेल टाइग्रेस। बेटा टिगोन, टिगोन इज अ हाइब्रिड बिटवीन मेल टाइगर एंड फीमेल लॉइनस। बेटा यहां पे भी ये हाइब्रिडस है, लेकिन जिगर मेरा ये हाइब्रिडस होते हैं फर्टाइल, फर्टाइल। अब आप कहोगे सर यहां पे तो हाइब्रिड हमें फर्टाइल मिला, दैट मीन्स लॉइन और टाइगर एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन कैप्टिविटी। बेटा ये क्रॉस पॉसिबल है लेकिन ओनली इन कैप्टिविटी, नेचर में ये खुद ब खुद ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अगर हम इनको किसी पिंजरे में बंद करेंगे और मजबूर कर देंगे इंटरब्रीडिंग करने के लिए, तभी ये इंटरब्रीडिंग बेटा करेंगे। तब तक ये इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज के है। दैट मीन्स हमारी डेफिनेशन में था दे शुड इंटरब्रीड इन नेचर, ये नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते है। बेटा एक और चीज जो यहाँ पे आपके एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने की जरूरत है, वो ये है बेटा, ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज एप्लीकेबल ओनली टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स। बेटा ये बात याद रखना कि ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज एप्लीकेबल ओनली टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स। बेटा दिस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एप्लीकेबल नहीं होता है किन पे, उन ऑर्गेनिज्म्स पे बेटा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू बेटा असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स पे बेटा ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एप्लीकेबल नहीं है। सो बेटा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू ब्लू ग्रीन एल्गी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू बैक्टीरिया, बेटा इनपे ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एप्लीकेबल नहीं होगा। इन शॉर्ट ये था रिगार्डिंग बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो बेटा नए वीडियो लेक्चर में जो और दो तीन कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है, लाइक टैक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी, और वी कैन से टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशी, लाइक टोपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी वगैरह की बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।